अस्सलाम वालेकुम, सल्ले अला सुभानल्लाह, मैं तौकीर हफीज वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। आज मीठा नीम यानी कड़ी लीव्स, कड़ी पत्ता, देखें इसके जो अभी न्यू न्यू शूट्स यानी न्यू न्यू इसके बेबी लीव्स निकल रहे हैं, और ये जब निकलने लगते हैं फरवरी मार्च में निकलने लगते हैं, और इस पे ये गर्मी में ये ग्रोथ करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से सरवाइव करने लग जाता है। और इसे जैसे कि बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक वाली जो है गर्मी इसको पसंद नहीं है, इसके पत्ते जो है लीव्स हैं ना वो बहुत ख़राब होने लग जाते हैं, और वो जो है ये जैसे अभी कितने प्यारे काले पत्ते लग रहे हैं ना, हसीन पत्ते, तो इसमें फिर वो जो लीव्स हैं वो येलो कलर के होने शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं बताना आपको चाह रही थी, और एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रही थी कि देखें इस तरह से कैटरपिलर वाटरफ्लाई इसको खाना शुरू करती हैं, तो इसको सबसे बचाने के लिए भी आपको स्प्रे भी बताऊंगी, और मैंने ये इस टाइम से ग्रो किया था वो भी बताऊंगी, और इसकी सॉयल मीडिया, तो चलें आप शुरू करते हैं इसकी सॉयल मीडिया की बारे में भी बताते हैं और कड़ी पत्ते के बारे में। तो चले मीठा नीम, इसे वैसे ये बरसग़ीर में वाकई में अकदार में पाया जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा बरसग़ीर के लोग यानी पाक और हिंद और पाकिस्तान ये सब जगह पर ज़्यादा कड़ी लीफ इस्तेमाल किया जाता है, अपने सालन में इस्तेमाल किया जाता है। और ये ऐसा प्लांट है कि इससे बघार भी लगाया जाता है, और ये एक मेडिसन प्लांट भी कहा जाता है। इसके पत्ते ग्रीन होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, और इसमें से अच्छी अगर आप बघार देते हैं तो इसमें से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस निकलती है, आपके सालन को खुशबू फराहम करती है। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, और ये ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है। ये अगर आप ब्लड प्रेशर हो गया हो तो उसको एक गिलास पानी में इसके चंद पत्ते इसको डालकर रात भर रख दें, और सुबह वो पत्ते चबा के पानी पी लें, तो ये ब्लड प्रेशर के लिए भी बेहतरीन है। और ये हेयर ग्रोथ के लिए भी अगर आप जैसे आप आलमंड ऑयल ले लें, और जो है कोकोनट ऑयल में इसको थोड़ा सा पका कर और इसको ब्लैक कर लें उस ऑयल में, तो उस ऑयल को लगाएं तो आपके बाल भी ग्रोथ करता है। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, अगर इसको ऐसे भी खाया जाए सुबह निहार मुँह और दो तीन पत्ते खा लें तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, और ये अगर मुल्तानी मिट्टी में इसको पीस कर चेहरे पे लगाया जाए तो आपकी स्किन के जो रिंकल्स हैं झाइयाँ हैं उसके लिए बहुत बेनिफिट होते हैं। ये बहुत ही अच्छे हर्ब है, एक तरह की हर्ब भी है, और ये मेडिसन में भी इस्तेमाल की जाती है। ये बहुत ज़बरदस्त है, और इसको टेम्परेचर इस तरह का पसंद है कि ये 20 और 35 के दरमियान ये सर्वाइव करता है, इसको ये टेम्परेचर पसंद है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर में इसको रख दिया जाए तो व्यूअर्स इसके लीव्स जो है ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं, ब्लैक मतलब कहने का मतलब ब्राउन से होने लगते हैं, और फिर वो ब्लैक जैसे उसके जो है येलो होते हैं, फिर ये ब्राउन से हो जाते हैं, और फिर ब्राउन होने के वो ब्लैक से हो जाते हैं, लीव से हो जाते हैं। तो इसको ज़्यादा धूप भी पसंद नहीं है, इसको आप ज़्यादा कोशिश करें कि हीट स्ट्रोक की तरफ ना रखें अगर आपने इसको पॉट में लगाया है, और अगर ज़मीन पे लगा रहे हैं तो ज़मीन के लिए तो ये बहुत अच्छा है। इसके तो ज़मीन पे आपको पता ही है कि आप गार्डन सॉइल होती है, आप थोड़े रिवर सैंड और कावडंग में और पानी इसको भर के दें तो ये पानी बहुत पसंद, नमी बहुत पसंद करता है, और ट्रॉपिकल एरिया को बहुत पसंद करता है। ये बहुत अच्छा प्लांट है, और देखें अब मैं सॉइल मीडिया की अपनी बात करूं तो आपको दिखा रही हूँ, देखें मेरी सॉइल, इसमें मैंने थोड़ी सी गार्डन सॉइल मिलाई है, इसमें थोड़े से मैंने जो है जो रेत से बालू बजरी कहते हैं वो मतलब मिलाई है, रिवर सैंड और कावडंग मिला दिया, देखें कावडंग दिख रहा है, तो इसकी रेशो इस तरह आप रख लें कि 60% आपने जो है गार्डन सॉइल रख लें और 30% इसमें आपने रिवर सैंड लगा रख लें, और जो है कावडंग जो है 20%, इस तरह करके आप इसमें लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से
चलेगी। मैंने अभी इसमें पानी इसलिए नहीं डाला कि व्यूअर्स आपको दिखाना था कि इस तरह की आपकी इसकी रेत होगी तो सॉइल होगी तो आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगा। तो ये स्टेम मैंने इतनी बड़ी देखी यहाँ पर थी ना, इतनी बड़ी स्टेम को मैंने लगाया था, लगाते लगाते मैंने पौधों के दरमियान इसको रख दिया था। ये मेरे पौधे के दरमियान रख दिया था, जब तक तो सीधी जा रही थी मैंने, जब अपने चार पांच प्लांट के बीच में रख दिया तो व्यूअर्स इसने वहाँ से नज़र नहीं आ रहा था, इसने थोड़ा सा बैंड लेना शुरू किया और इस तरह इसने सर्वाइव किया। और मैंने क्या कर दी थी, एक तो मेरे गार्डन में लगा हुआ है वो बहुत बड़ा है तो इसको क्या कर दी, थोड़े से पत्ते दिख रहे हैं व्यूअर्स, मैं इसमें से निकाल के भगा देने के लिए मैं ले जा लेती थी। अभी देखें, अब गर्मी आ गई है और इसको इस तरह देखिए छोटे छोटे से बेबी लीव्स निकलना शुरू हो गए। और इसके जो सीड से भी ग्रो किया जाता है और इसमें कि सिक्स पेटल, जैसे फाइव पेटल भी कहते हैं, मतलब सिक्स पेटल मैंने देखा, सिक्स पेटल के इसमें फ्लावर होते हैं और वो भी वाइट रंग के होते हैं और फिर वो छोटे सी चेरी ये अब ब्लैक बेरी टाइप के बन जाते हैं, पहले रेड कलर के होते हैं फिर ब्लैक कलर के हो जाते हैं जब वो ज़्यादातर लोग उसको थोड़ा सा जैसे ब्राउन हो जाते हैं और उसका जो है छिलका जैसे रिमूव कर लेते हैं और फिर लगाते हैं। मैं इस तरह नहीं करती, मेरे बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी मगर अभी इस वीडियो में नहीं करूँगी। उसमें ये करती हूँ कि इसी प्लांट पे मेरा सूख जाता है जो है ना, जिसके सीड्स हैं और वो जब सूख जाते हैं तो फिर मैं उसको हार्वेस्ट करके अपने जो है जिप वाले बैग में रख कर उसको फिर जिप लॉक करके उसको रख देती हूँ। और जब मुझे ज़रूरत होती है या कोई ऐसा होता है कोई मेरी फ्रेंड मांगती है तो उनको मैं दे देती हूँ। तो उसको क्या करती हूँ, फिर ज़मीन पर इस तरह ये है इस तरह की मैं सॉइल तैयार करती हूँ और उसमें फिर मैं इसको लगा देती हूँ। फिर वो 10 डेज में उसकी थोड़ी स्प्राउटिंग निकलना शुरू हो जाती है और 1.5 महीने में थोड़ा इतना बड़ा ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, इतना बड़ा ले लेता है। मगर स्टार्टिंग में ये बहुत स्लो ग्रोथ करता है, आप परेशान नहीं होना, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे भी लोग आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ता। और मैं एक नर्सरी में गई कि ये बहुत जल्दी ग्रोथ क्यों नहीं करता, तो वहाँ पर चार पांच खातिन थी, लेडीज़ थी, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया तो मैंने उनसे कहा कि शुरू शुरू में ही स्लो ग्रोथ करता है, जब ये थोड़ा बड़ा होने लगता है मेच्योर होने लगता है तो फिर इसकी ग्रोथ अच्छी चलती है। और सर्दी में इसकी जो है ग्रोथ रुक जाती है विंटर में और इसके जो लीव्स हैं ना वो झड़ जाते हैं। और जैसे जनवरी फरवरी है अब गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है तो इसके पत्ते जो है ये दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं शूट्स नए नए ये सब आने शुरू हो जाते हैं। तो ये था इसका ये। और इसकी जो हाइट है ऐसा होता है कि 14 से 20 फीट से भी ऊपर इसकी हाइट जाती है। अगर ऊपर से ट्रिम नहीं करें बड़े वाले प्लांट को तो वो बहुत बड़े बड़े जो है प्लांट बन जाते हैं। और इनके जो ट्रंक्स हैं, ट्रंक है ये पॉड भी कुछ नहीं है, इससे 4 गुना बड़े ट्रंक बन जाते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। और मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की कि कड़ी ली और ये आपने हम ज़्यादातर जो एशियन लोग हैं वो इसका भगार भी देते हैं अपने सालन में। और मैंने आपको इसके चेहरे इसके बालों के हेयर भी बता दिया और चेहरे के लिए अगर मुल्तानी मिट्टी में भी पीस के इसको लगा लें तो आपके स्किन बहुत अच्छी जो है फ्रेश लुक देगी। और ख़ास तौर पर समर में, समर के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। आप समर में क्या वैसे भी आम दिनों में भी लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्लांट है। और ये प्लांट शुरू से हमारे आबा अजदाद से चला आ रहा है कि प्लांट एक ज़्यादातर सालन के तौर पर, फिर जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो हर्ब के तौर पर और बहुत सी ऐसी मेडिसन में बहुत सी ऐसे चीज़ों में इस्तेमाल करते थे कि ये आज ये बहुत ही ज़्यादा, अब जब से यूट्यूब आया है तो लोगों ने इसकी अवेयरनेस हासिल की, नहीं तो पहले के जो देहात में लोग हुआ करते थे वो इस हर्ब को बहुत इस्तेमाल करते थे।
तो ये बहुत अच्छा है और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और इसका पानी, ये इसको नमी बहुत पसंद है और पानी का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है। इसमें पानी आप भर के डालें। मैंने इसमें पानी आपको दिखाने के लिए रखा था कि मैं पानी जो है मैंने डाला नहीं था, आपको सॉइल दिखाने के लिए रखा था। और मैं इसमें ऐसा भी करती हूँ कि बहुत से जो प्लांट के लीव्स होते हैं वो ज़रा ड्राई हो जाते हैं, वो भी क्रश करके डाल देती हूँ, तो इसमें एक और ये सॉइल बन जाती है, यानी एक फर्टिलाइज़र बन जाती है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है, अंदर से एग्जॉर्ब कर रही है। इस तरह की आप इसमें करेंगे तो ये बहुत अच्छा चलेगा प्लांट। और आपकी कोई क्वेरी हो, कोई राय हो, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो कड़ी लीव यानी मीठा नीम के बारे में, तो मुझे बताइएगा। क्यों बहुत लोग इसको नीम की तरह समझते हैं, अगर ये नीम नहीं है, ये मीठा नीम भी कहा जाता है और कड़ी लीव भी, कड़ी पत्ता भी कहा जाता है। तो आपके कोई क्वेरी हो, कोई राय हो, कुछ सवाल हो, कुछ सुझाव हो, मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आइकन को हिट कीजिएगा तो आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आएगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, और दुआ में बहुत याद रखिएगा।